नमस्कार दोस्तों, अब तक YouTube पर हजारों वीडियो अपलोड हो चुके होंगे 118 बैन ऐप्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पर क्या आपको पता है कि शेयर सेव ऐप्स क्यों बैन हुआ इंडिया में? जी हाँ दोस्तों, शेयर सेव ऐप्स जो कि MI का पावर्ड बाई MI का स्टोर है, जो कि शेयर सेव पर आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाते थे, जी हाँ दोस्तों, तो वो क्यों बैन हुआ इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अब तक मैंने YouTube पर सर्च करके देखा, इसके बारे में किसी ने नहीं बताया कि शेयर सेव आखिर बैन क्यों हुआ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि शेयर सेव आखिर बैन क्यों हुआ। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्ले स्टोर पर यहाँ पर शेयर सेव अभी अवेलेबल है, शेयर सेव बाय Xiaomi लेटेस्ट गैजेट एंड अमेजिंग डील्स। जी हाँ दोस्तों, ये क्यों बैन हो गया? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें आपको मिलता क्या था। ये आपको ऑनलाइन डिलीवरी, यहाँ पर शॉपिंग, मान लीजिए एक तरह की शॉपिंग वेबसाइट थी जहाँ से आप कोई भी ऑर्डर मंगा सकते थे। बट यहाँ पर आपने कंडीशन देखा होगा कि यहाँ पर जैसे ही आप ऑर्डर कर रहे होंगे, आप में यहाँ पर KYC मांगा जा रहा होगा, जैसे पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासवर्ड, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे होंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर पाए होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऐसा किया होगा तो आपको पता होगा कि ये सारी प्राइवेसी, यानी कि यही प्राइवेसी है, आपके डाटा को वो कलेक्ट कर रहे थे, इसीलिए इंडिया में ये बैन हो गया। और साथ साथ ये भी यहाँ पर बता दूँ कि ये बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर रहा था, यानी कि आपके डेटा को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देख रहा था, यानी कि एक ऑर्डर करने पे 10-10 दिन लगा दिया जाता था, 15-15 दिन लग जाता था आपके ऑर्डर को यहाँ पर रिसीव होने में या डिलीवर होने में। यहाँ तक आपकी बता दूँ कि इसीलिए ये बैन हो चुका है। अभी तक यहाँ पर प्ले स्टोर पे तो ये अवेलेबल दिखा रहा है, बट कुछ ही टाइम पर यहाँ पर प्ले स्टोर से हट जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये प्राइवेसी इसी की वजह से, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट ले रहा था, वो आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी ले रहा था, उसकी वजह से बैन हुआ, या कुछ और कारण है कि शेयर सेव पावर्ड बाय Xiaomi की तरफ से जो भी ऐप्स है यहाँ पर बैन हो चुका है? तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो बस यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।